मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मेरा देश नहीं झुकना चाहिए। सरहदों की रक्षा करते हुए राजस्थान का लाल जबलपुर में शहीद हो गया। सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के ग्राम शोलदड़ा के हवलदार कृष्ण कुमार गुज्जर मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। शहीद कृष्ण गुज्जर की अंतिम विदाई में हजारों लोगों की संख्या में भारत माता के जयकारों के साथ गुज्जर पंथत्व में विलीन हो गया। शहीद का योगदान ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। आज एक घर का चिराग बुझ गया, बूढ़े माता पिता का बुढ़ापे का सहारा छिन गया, मासूम बच्चों पर पिता का साया मिट गया। शहीद के दो बेटी और एक बेटा है। मासूम बच्चों के रोते रोते आंखों के आंसू सूख गए, गला रुंध गया। शहीद की पत्नी वीरांगना का मांग का सिंदूर उजड़ गया। शहीद कृष्ण कुमार गुज्जर ने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, लेकिन देश नहीं झुकने दिया। लेकिन अफसोस इस बात का रहा, कृष्ण गुज्जर को शहीद का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने तो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, लेकिन हमने क्या किया, हमारी सरकारों ने क्या किया? ये सवाल देश के हर नागरिक को अपने आप से पूछना चाहिए। नेताओं को तो चुनावों के टाइम पर याद आएगा। हालांकि शहीद की अंतिम विदाई में सीकर सांसद शुभेंदनंद सरस्वती, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन जो काम वर्तमान में होना चाहिए था, कृष्ण कुमार गुज्जर को शहीद का दर्जा मिलता, परिवार में एक नौकरी मिलती, गांव में शहीद की मूर्ति बनती, तो आने वाली युवा पीढ़ियों को भारतीय सेना में जाने और देश सेवा करने का जज्बा रहता, प्रेरणा मिलती। ये शहीद की अंतिम विदाई का पूरा वीडियो है। हमारी तो मांग है सरकार से और निवेदन भी है कि कृष्ण कुमार गुज्जर को शहीद का दर्जा मिले। यह चैनल शहीद फौजियों की आवाज़ उठाता रहेगा, शहीदों के परिवारों को सपोर्ट करें। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा परिवार बड़ा होगा, मजबूत होगा। धन्यवाद। No!
Yeah!
देख ले बात यार, Thank you.
पीछे सर प्लीज थोड़ा पीछे 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 और पीछे। जयपाल जी मीडिया छोड़ के तुम पिछले मार फोटो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ गंजन बोल चलो 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 निकल जाओ एक साइड निकाल जाओ काफी नाम है और हम उम्मीद करते हैं कि भाई उनके इस जो है बलिदान को आप सब लोग नमन करेंगे और हमें भी जो है बड़ा दुख है और खेद है और परिवार के साथ में सांत्वना है कि इस उम्र में जो है कृष्ण हमारे को छोड़ करके चले गए। ठीक है, हमारी भगवान से प्रार्थना है भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से प्रार्थना है कि हरवाड़ों की जिस भी तरीके से जो भी मदद की जा सकती है वो मदद करें। ये तो फौज तो मदद करेगी ही करेगी, लेकिन प्रशासन से भी हम ये उम्मीद रखते हैं और हम गुजारिश करते हैं कि वो हरवाड़ों को जो भी आर्थिक सहायता या किसी प्रकार की सहायता है उसको प्रदान करें। हमारी कार्रवाई है, वो तो पलटन की कार्रवाई है, हमको तो करेंगे। हौसला रखो बेटा, किसी प्रकार की जो भी है उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है, हम करेंगे, ठीक है, पलटन भी करेगी और हम सब भी, ठीक है, हौसला रखो। सांसद जी थे ना, सांसद जी थे ना, बोला नहीं है तो बोला नहीं इनको, वही है छाया में आगे उधर ले चलते, थोड़ा छाया में हो जाए, छाया में हमारे भाई कृष्ण चंद्र जी जो सेना में पोस्ट करते अचानक ऑन ड्यूटी उनका देहावसान हुआ है, वो देश सेवा के काम करते करते देश के काम आए हैं, ऐसे वीर सैनिक के प्रति और उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मेरी हार्दिक सांत्वना है। परमात्मा इनको संबल दे, ताकत दे और हमसे जो भी बन पाएगा, गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सिस्टम है, वो सारा का सारा उस परिवार को दिलवाएंगे, परिवार के सदैव साथ रहेंगे। मेरी पुनः भाई कृष्ण के प्रति श्रद्धांजलि है, प्रणाम करता हूँ। भाई कृष्ण गुजर भारतीय सेना में थे, हवलदार के पद पे और सेवा में रहते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा परिवार, पूरा नीर का थाना इलाका, राजस्थान और सारे देश के लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस परिवार के प्रति सब लोगों की बहुत सहानुभूति है, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस परिवार को, इस आघात को सहने की शक्ति दे। मैं एमपी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे निवेदन करूँगा कि केंद्र सरकार जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता सैनिक के परिवार को दे सके वो देनी चाहिए। सैनिकों के मामले में सरकार को कतई कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग, ये परिवार जो है अपने परिवार की परवाह नहीं करते हुए, अपने इलाके की परवाह नहीं करते हुए सीमा पे जाते हैं और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाते हैं, तो इसलिए इनको सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। थैंक यू सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर कृष्ण अमर रहे, अमर रहे, कृष्ण तेरा नाम रहेगा, कृष्ण तेरा नाम रहेगा। सर्विस राउंड
शहीद फौजियों के परिवारों को सपोर्ट करें। यह चैनल शहीदों को समर्पित है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।